जो डी ब्लॉक और सी डी पारा के बीच में, जी ब्लॉक के बीच में रोड है, इस पे बहुत सारे इंक्रोचमेंट है, और इसका आए दिन हाउस में भी, स्टैंडिंग में भी, और बहुत सारे लोगों के माध्यम से भी कंप्लेंट आती रहती है, तो उस पर एमसीडी अपना काम कर रही है। तो ये नगर निगम द्वारा हटाई जा रही है या एमसीडी द्वारा, और इसके क्या कायदे और नियम बनाए गए हैं? देखिए, ये एमसीडी की कंप्लेंट पर गाड़ी उठती है, और पर गाड़ी का लगभग 5500 रुपये का चालान भी होता है, और जो गाड़ी एक दिन रुकी जाती है उसका पर डे पेनल्टी भी चार्ज होती है, तो एमसीडी को मुआवजा भी मिलता है और एमसीडी पे हर्जाना भी होता जाता है। देखिए, जैसे कि आपने एक तरफा देखा हमारे कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही, और पूरी दिल्ली में जगह जगह अनऑथराइज पार्किंग चल रही है, अनऑथराइज बिल्डिंगें बन रही हैं, और अनऑथराइज बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं जिसके कारण हमारी एमसीडी को कुछ नहीं मिल पा रहा। देखिए, इसकी बहुत सारी कंप्लेंट ये आई कि वो पूरा रोड बंद पड़ा हुआ है, और हमारे आने जाने का रास्ता भी है, हमारे वहाँ पे एमसीडी स्कूल भी है, हमारे दिल्ली सरकार के स्कूल भी है, हालांकि अभी स्कूल बंद है, पर जब स्कूल चलते हैं तो हम बच्चों को निकलने की भी जगह नहीं होती। इससे पहले 2 बार हादसे हो चुके हैं, रिक्शे की पार्किंग में करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, तो आए दिन बहुत सारी कंप्लेंट आती है। हमने भी कमिश्नर साहब से कहा कि इस पर आपको संज्ञान लेना चाहिए, तो आज एमसीडी जा रही है, इस पर कार्रवाई करते हैं। एक चीज और जानना चाहूंगा, क्या आपके वार्ड में एमसीडी द्वारा भी कोई पार्किंग नियुक्ति गई है? नहीं, हमारे यहाँ पे ऑथराइज पार्किंग कोई नहीं है, तो हमने ये कहा अगर पब्लिक को पार्किंग से दिक्कत है, पार्किंग चाहिए, लगनी चाहिए, तो इसी पार्किंग को ऑथराइज कर दिया जाएगा, कृपया एमसीडी से पर्ची भी कटेगी और एमसीडी की जेब में कुछ ना कुछ आएगा, वैसे हमारी एमसीडी मजबूत भी होगी। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अनिल कनौजिया है, मैं लाइसेंस इंस्पेक्टर हूँ, एमसीडी सिविल लाइन जॉन। तो सर, ये किसके आदेश से पार्किंग कटाई जा रही है? जी, हमारे हायर अथॉरिटी हैं, हमारे डीसी साहब के अथॉरिटी, उनके ऑर्डर से हमने यह सारा इंक्रोचमेंट रिमूवल कर रहे हैं, हटा रहे हैं, इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं। तो इसके क्या नियम कानून है इसके? जी, इनलीगल पार्किंग से हम गाड़ियाँ उठा रहे हैं, इनलीगल पार्किंग जितनी है वहाँ पे अनऑथराइज पार्किंग जो है उसको हम वहाँ से हटा रहे हैं और इंक्रोचमेंट वहाँ से रिमूव कर रहे हैं। क्या परमानेंट खड़ेगी या ये दोबारा खड़ी जाती है, इनको कोई एक्शन लिया जाएगा? देखिए, परमानेंट जो है उसका तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम टाइम टू टाइम यहाँ से रिमूव करते रहते हैं, और समय पे यहाँ से हम गाड़ियाँ उठाते हैं, इंक्रोचमेंट भी हटाते हैं, क्योंकि दिल्ली ये अपना जहांगीरपुरी हॉटस्पॉट एरिया है। बिल्कुल, इस वजह से हम यहाँ पर डेली यहाँ पर प्रोग्राम। ये चलान के क्या नियम बनाया गया? चलान जो एमसीडी द्वारा किया जाता है वो कम से कम 5500 रुपये एक गाड़ी का चलान है, और पर डे जो उसका वेट है, चाहे 500 किलो की गाड़ी है तो 500 रुपये पर डे, 1000 किलो की गाड़ी है तो 1000 रुपये पर डे। इसका प्रोसीजर क्या है, डीसी द्वारा है या किस नगर निगम द्वारा, एमसीडी द्वारा? तो एमसीडी द्वारा ही नियम इसके बने हुए हैं, इसका जो जो चलान का जो बना हुआ है नियम, वो आगे एमसीडी द्वारा ही बना।